आज हम लोग बात करेंगे कि मोटर व्हीकल्स पे जो डिफरेंट कलर्स के नंबर प्लेट रहते हैं उनका क्या मतलब है इससे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर प्लेट क्या है नंबर प्लेट एक लाइसेंस प्लेट है जो कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स और डिजिट्स का जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनाता है जो हर इंडिविजुअल मोटर व्हीकल्स के लिए अलग होता है और इसको इशू करता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जिसको हम लोग आरटीओ भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ नाइनटीन कोई भी व्हीकल्स को कोई आदमी तब तक नहीं चला सकता है जब तक नहीं कि वो एक रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी के पास रजिस्टर्ड हो अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट कलर्स ऑफ नंबर प्लेट का क्या मतलब है वैसे नंबर प्लेट्स जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है और अल्फाबेट्स और डिजिट्स ब्लैक कलर में लिखे हो वो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं दैट मीन्स उनको इंडिविजुअल पर्सन प्राइवेट प्राइवेट के लिए यूज कर सकता है और कमर्शियल पर्पज के लिए उसको यूज नहीं कर सकता है दूसरा है वैसे नंबर प्लेट्स जिसका बैकग्राउंड येलो है और अल्फाबेट्स और डिजिट्स ब्लैक कलर में है ये जनरली कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं जैसे टैक्सी कैब्स ट्रक्स जो गुड्स या पैसेंजर्स को कैरी करते हैं और ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है तीसरा है वैसा नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है लेकिन अल्फाबेट्स और डिजिट्स येलो कलर में है ये वैसा कमर्शियल व्हीकल्स है जो अवेलेबल है रेंट के रेंट पे देने के लिए फॉर सेल्फ ड्राइविंग बस लिमिटेशन ये है कि जो भी ड्राइवर इसको रेंट पे ले रहा है ड्राइविंग करने के लिए उसके पास अपना कमर्शियल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए चौथा है वैसा नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है लेकिन अल्फाबेट्स और डिजिट व्हाइट कलर में है ये लिमिटेड है टू इलेक्ट्रिक कार्स बसेज ओनली वैसा कमर्शियल व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक से चलता हो पांचवा है वैसा नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड रेड है और अल्फाबेट्स और डिजिट व्हाइट कलर में होता है ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो किसी भी ब्रांड न्यू व्हीकल को दिया जाता है अंटिल एंड अनलेस इसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन इश्यू हो जाए बाय आरटीओ और ये वैलिड होता है फॉर वन मंथ ओनली छठा और आखिरी टाइप का नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड ब्लू होता है और लेटरिंग जो है वो व्हाइट कलर में रहता है ये उस व्हीकल्स के लिए यूज होता है जो बिलोंग करता है किसी फॉरेन डिप्लोमेट के लिए वो यूनाइटेड नेशन का हो या डिप्लोमेटिक कॉप्स हो या कंसुलर कॉप्स हो उनके लिए